हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास इलेवेंथ में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है बच्चों, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, यानी कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में काफी कुछ आप जान चुके हैं। पिछले क्लासेस में आपको जो कुछ भी पता है वो आप इस चैप्टर में रिवाइज भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि विभाजन जो है कोशिकाओं में वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, और दूसरे प्रकार का होता है अर्धसूत्री विभाजन या जिन्हें हम कहते हैं मियोसिस। समसूत्री विभाजन सोमैटिक सेल्स में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो लैंगिक कोशिकाओं में या सेक्स सेल्स में होता है। ठीक है, तो अभी हम समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। समसूत्री विभाजन में इंटरफेज होता है, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं इंटरफेज होता है। इंटरफेज के बाद चार और फेजेस होते हैं। वो जो चार फेजेस होते हैं ये कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। ये जो चार फेजेस हैं ये क्या है, ये कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक मटीरियल का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और यहां से ले करके ये पूरा कौन सा फेज है, ये कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस कहलाता है पूरा यहां तक का फेज। ठीक है, अब यहाँ पे और इस कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया में चार अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिसको हम प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहते हैं। तो इसको हमें धीरे धीरे क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। एग्जैक्ट आपको समझ, कैरियोकाइनेसिस का मतलब कहाँ केंद्रक का विभाजन जहाँ पे हो रहा है वो क्या कहलाता है, कैरियो काइनेसिस कहलाता है। तो सभी बच्चे ये क्या करेंगे, सबसे पहले सभी बच्चे मैं स्क्रीन से हटूंगी और इस डायग्राम को सेम एज इट इज, जैसा मैंने इस डायग्राम को बनाया है ऐसा ही आपको डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है, और थोड़ा सा ताकि प्रेजेंटेबल हो और आप जब भी एग्जाम में लिखें तो आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में, नोटबुक में बनाएंगे। में क्या होता है बच्चों कि इंटरफेज जो है, हमने सेल साइकिल को आप सभी स्क्रीन पे डायग्राम देखते हुए बनाएंगे अपनी नोटबुक में और सुनते भी रहेंगे। इंटरफेज जो है, देखिए सेल साइकिल को दो बेसिक फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज क्या है आपका, इंटरफेज, और दूसरा फेज क्या है, एम फेज, या जिसे हम माइटोटिक फेज कहते हैं। तो एम फेज कौन सी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, एम फेज जो है वो एक्चुअल सेल डिविजन या माइटोसिस होता है या समसूत्री विभाजन होता है। देखो इंटरफेज जो है वो क्या है, इंटरफेज दो सक्सेसिव माइटोटिक फेजेस के बीच की अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हम इस हाफ सर्कल को देखें
तो ये जो हाफ सर्कल है ये फुल कब होगा, है ना, ये फुल कब होगा, इन दो डॉटर न्यूक्लियाई से थोड़ा सा ग्रोथ होने के बाद फिर से दो से चार कोशिकाएं बनेंगी, है ना। तो हर एक कोशिका चक्र जो है वो कंप्लीट करने के बाद फिर से नए चक्र में एंटर कर जाता है और बीच का जो रेस्टिंग पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। दो कोशिका चक्रों के बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है, ठीक है। तो इंटरफेज किसे कहते हैं, दो माइटोटिक फेजेस के बीच की जो अवस्था है वो इंटरफेज कहलाती है, उसी को रिप्रेजेंट करता है आपका इंटरफेज। तो पहले ये देखेंगे, अब इसमें जब डायग्राम आप बना लेंगे तब आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी नोट करनी है। जैसे ह्यूमंस में जो सेल साइकिल होती है, कोशिका चक्र जो होता है, उसका एवरेज टाइम जो है वो कितना होता है, आई होप सभी बच्चों ने ये डायग्राम बना लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस देखेंगे आप सभी। क्या है स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, जैसा मैंने आपको हाथ से डायग्राम बना के भी बता दिया था, है ना, और ये आपको स्क्रीन पे बना बनाया दिखाई पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको समझने में इजी है। मैंने आपको बना के भी पिछले स्लाइड्स में, पिछले सेशन में मैंने आपको बना के दिखाया था। ये कौन सी प्रक्रिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ये क्या है, ये है आपका इंटरफेज। क्या है इंटरफेज, ये क्या है आपका माइटोसिस या एम फेज, और ये क्या है एम फेज के बाद यहाँ पे टू डिप्लॉयड सेल्स जो है वो बन जा रही है। तो ये स्टेजेस ऑफ माइटोसिस जो है समसूत्री विभाजन के चरण, ये क्या है आपका समसूत्री विभाजन के चरण। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सिंगल कोशिका है, एक सिंगल कोशिका के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ जो है वो दोगुना हो रहा है। क्या हो रहा है, पदार्थ दो गुना हो रहा है ना, मैंने आपको टू और फोर लिख के समझाया था। दो गुना हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे रेड वाला भी डबल पूरा हो गया और ब्लू वाला भी पूरा डबल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेटाफेज पर माइटोटिक डिवीजन में चार चरण आएंगे, ये आपको शॉर्ट में दिखाया गया है डायग्राम। चार चरण होंगे इस माइटोसिस फेज में, कौन कौन से होंगे, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, चार फेजेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और लास्ट में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा प्लस क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद जो है आपका ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और दो डॉटर डिप्लॉयड सेल्स वाली जो है वो सेल्स तैयार हो जाएंगी। तो आपने पिछला वाला डायग्राम सभी बच्चों ने, ये वाला डायग्राम सभी बच्चों ने बना लिया है, तो नीड नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम, दूसरा वाला आपको बनाने की जरूरत नहीं, केवल समझने के लिए ये वाला डायग्राम आपके सामने शो किया गया। ये वाले डायग्राम से आप बेसिक समझ पा रहे हैं कि किस तरह से एक एक कोशिका जो है उसमें इंटरफेज के दौरान, इंटरफेज जो है आपका क्या कहलाता है, रेस्टिंग पीरियड भी कहलाता है। रेस्टिंग पीरियड भी कहलाता है, ठीक है। तो दो माइटोटिक डिविजन्स के बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है, रेस्टिंग पीरियड या इंटरफेज कहलाता है। उसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोगुना करता है अपने आप को, दो है तो चार हो जाता है,
चार इसलिए होता है ताकि जो नई दोनों कोशिकाएं बने उसमें दो दो की मात्रा में डिवाइड हो सके। ठीक है, तो ये सभी बच्चे समझ गए हैं। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको अलग अलग चारों फेजेस के बारे में दिखाया गया। मैं आपको वन बाय वन सारे फेजेस के बारे में बताऊंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे, क्या हो रहा है प्रोफेज में, क्या हो रहा है मेटाफेज में, क्या हो रहा है। स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो गया, सेंट्रियोल्स का निर्माण हुआ। यहाँ पे क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स जो है वो दोनों अलग अलग पोल्स पे खिंचाव हो रहा है, अलग हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि दो केंद्रक बन के अलग हो गए हैं, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। उसके बाद क्या होगा, दो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई हो गए हैं तो अब डॉटर सेल्स भी बन जाएंगी, है ना। तो ये वाला डायग्राम जो है ये भी इजी है, अच्छा है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेज के बारे में, है ना। ये पूरी जो प्रक्रिया है इसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेज के बारे में पढ़ेंगे, या जिसे हम मध्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं या जिसे हम मध्यावस्था कहते हैं। तो मध्यावस्था क्या होता है, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आपको इंटरफेज के दौरान होने वाली घटना स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है। इसमें क्या हो रहा है आपको देखिए, क्रोमेटिन फाइबर्स, जब आप क्लास एट्थ में थे, नाइन्थ में थे, तब आपको जब कोशिका बताया जा रहा था तब आपको ये बताया गया था कि सेल के अंदर मौजूद जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर उलझी हुई धागों जैसी संरचना पाई जाती है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, और उसमें न्यूक्लियस के बाहर की तरफ एक केंद्रक झिल्ली होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, और अंदर की तरफ केंद्रिका मौजूद होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। दो पेयर सेंट्रियोल्स भी पाए जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है। तो कोशिका विभाजन के समय पे जो दो माइटोटिक डिवीजन के बीच का समय है वो इंटरफेज कहलाता है, और इंटरफेज के दौरान क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है। तो माइटोटिक फेज के माइटोटिक फेज के बीच के समय को क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। दो माइटोटिक डिविजन के बीच के फेज को क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। तो अगर ह्यूमन सेल साइकिल का एवरेज टाइम 24 घंटे का होता है तो सेल डिविजन केवल एक घंटे में पूरा हो जाता है, और इंटरफेज जो है वो 95% टाइम जो है वो ले लेता है। मान लीजिए मानव कोशिका विभाजन में लगने वाला समय है 24 घंटे, जिसमें एक घंटा जो है माइटोटिक डिवीजन होता है और 95% ऑफ टाइम टेकन बाय इंटरफेज। 95% समय, अगर एक घंटा आपका माइटोटिक डिवीजन में लग रहा है तो
23 घंटे उस डिवीजन को होने के लिए जो तैयारी होती है उसमें लग जाता है, यानी कि इंटरफेज में लग जाता है। और इंटरफेज में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि जो भी अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है, दोगुना होता है इस समय पर इंटरफेज के दौरान। इंटरफेज के दौरान अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ दो गुना होता है। क्या होता है, दो गुना होता है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। आई होप सभी बच्चों ने इसको समझ लिया अच्छे से, जो बातें मैंने लिखी वो सभी आपने नोट कर ली। ये था आपका इंटरफेज। अब इंटरफेज में क्या क्या हो रहा है ये वाला देखेंगे सभी बच्चे। डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, कोशिका चक्र आपको दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, ये पूरा कोशिका चक्र दिखाई पड़ रहा है। इस कोशिका चक्र में बच्चों क्या हो रहा है, कोशिका चक्र में यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोशिका चक्र में कोशिका चक्र में आप देखिए दो फेजेस ही होते हैं, है ना, आपका माइटोटिक फेज और इंटरफेज। तो यहां से शुरू होकर के और ये पूरा आपका क्या कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है। और केवल ये इतना पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, माइटोटिक फेज कहलाता है, है ना। अब इसी में माइटोसिस में चार फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। क्लियर हो गया सभी बच्चों का, ठीक है। अब आपका तीन घटनाएं इंटरफेज के दौरान भी होती हैं, इसको आपको नोट करना है। तीन घटनाएं आपका इंटरफेज के दौरान भी होती हैं, वो तीन घटनाएं कौन कौन सी हैं, तीन चरणों में होती हैं। पहला है G1 फेज। क्या है, G1 फेज, जिसे हम गैप 1 फेज कहते हैं, गैप 1 फेज जिसे हम कहते हैं। गैप 1 फेज क्या है, वहां पे सेलुलर कंटेंट्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के रूप में चेंज होते हैं, है ना। मतलब जो क्रोमैटिन फाइबर, यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे, क्रोमैटिन फाइबर जो है वो धीरे धीरे क्रोमोसोम्स के रूप में, मतलब थोड़ा सा कंडेंस होना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम्स बनाने की शुरुआत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिंथेसिस फेज, एस फेज, या जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज कहते हैं, उसमें क्या होता है, ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम्स इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल, यानी कि पूरे के पूरे जो 46 क्रोमोसोम्स मनुष्यों में पाए जाते हैं वो सारे के सारे डबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि अब क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो 72 हो गई है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें और इस डायग्राम में देखें, अब वो क्रोमोसोम्स के रूप में आ चुके हैं, स्ट्रैंड्स में डबल डबल स्ट्रैंड्स लग चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर,
डबल डबल स्ट्रैंड्स में आ गया, यानी कि संख्या जो है जस्ट डबल हो चुकी है। ये कौन सा फेज है? सिंथेसिस फेज है। उसके बाद आपका आता है गैप टू फेज। यहाँ पे क्या होता है? द सेल डबल चेक्स द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स फॉर एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयरिंग। यहाँ पे क्या होता है, जैसे सामान्य तौर पर हम जैसे कुछ भी खाना बनाने की तैयारी, फिर खाना बना, फिर उसके अंदर कुछ कमी तो नहीं है, तीन चीजें, उसी तरह से गैप वन फेज में सेलुलर कंटेंट्स जो कैसे एक्टिव होते हैं, एक्टिव मोड में होते हैं, एक्टिव मोड में होते हैं, ठीक है। और क्या होता है उसके बाद? सिंथेसिस फेज आता है और गैप टू फेज आता है। तो इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्या होता है इंटरफेज में? इंटरफेज को आपने थ्री फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, आप डिवाइड किया गया है, थ्री फेजेस में डिवाइड किया गया है। किस तरह से? नंबर वन फेज इज जी वन फेज या गैप वन फेज, नंबर टू फेज इज एस फेज या जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, नंबर थ्री इज जी टू फेज या गैप टू फेज, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है तीनों। जी वन फेज के अंदर आप लिखेंगे ये माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत जब होती है उसके बीच वाले समय को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। जी वन फेज में क्या होता है? सेल जो है वो मेटाबोलिकली एक्टिव होती है और लगातार ग्रो करती है, लेकिन अपना डीएनए उस टाइम पे, वो जी वन फेज में अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती, क्या करती है? केवल ग्रो करती है और मेटाबोलिकली एक्टिव रहती है। के बाद आपका सेकेंड नंबर पे एस फेज आ गया जो कि सिंथेसिस फेज कहलाता है। इस फेज के टाइम क्या होता है? इस फेज के दौरान डीएनए की सिंथेसिस होती है, या उसका सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण की प्रक्रिया। तो डीएनए की सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि डीएनए का निर्माण होता है या उसका रेप्लीकेशन होता है। तो उसमें क्या क्या होगा? इस दौरान डीएनए का अमाउंट जो है वो दोगुना हो जाता है। सभी बच्चे लिखेंगे इन चीजों को जो मैं बोल रही हूँ। इस दौरान क्या होता है? सिंथेसिस फेज के टाइम पर डीएनए का अमाउंट दो गुना हो जाता है। ये डीएनए, यदि डीएनए का इनिशियल अमाउंट 2C हो तो ये बढ़ करके 4C हो जाता है। अगर डीएनए का अमाउंट 2C हो तो यहां पर बढ़ करके वो 4C हो जाता है। ये है इसका मतलब, सिंथेसिस फेज का मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? और यहाँ पे किसी भी मेन पॉइंट, क्योंकि ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या जी वन फेज के बाद एस फेज में जब रेप्लिकेट होते हैं आपके क्रोमोसोम्स तो क्या होता है? संख्या में ये भी डिप्लॉयड होते हैं और ये भी डिप्लॉयड ही रहते हैं। तो यहाँ पे भी 2n होगा डिप्लॉयड, और यहाँ पे भी 2n, यहाँ पे भी 2n, और उसके बाद फिर ये सारी प्रोसेसेस में भी 2n और ये भी 2n, ये भी 2n, यानी कि क्या होता है? ये सारा जो है उसमें पूरे चक्र में कोशिका जो है वो डिप्लॉयड ही रहती है। अब क्रोमोसोम्स का भी नंबर जो है वो सेम रहता है, ठीक है। एनिमल सेल्स में जब सिंथेसिस फेज होती है तो उसके दौरान क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, लेकिन जो सेंट्रियोल होता है उसका भी डुप्लीकेशन होता है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये आपने देखा था इस वाले डायग्राम में, आपने ये अलग कहाँ देखा था? ये वाले डायग्राम में देखिए, सेंट्रियोल्स जो हैं इनका डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कोशिका द्रव्य में होता है, और अनुवांशिक पदार्थ का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? वो केंद्रक के अंदर होता है। अनुवांशिक पदार्थ का रेप्लिकेशन, अनुवांशिक पदार्थ का
एप्लीकेशन कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये वाला डायग्राम आपने समझा, और ये वाले डायग्राम को आपको क्या करना है, इसको आपको नोट करना है। ये वाले डायग्राम को भी आपको बनाना है अपनी नोटबुक में। अब सभी बच्चों ने वो वाला डायग्राम अगर बना लिया हो तो कुछ पॉइंट्स आपको नोट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरफेज में कितने चरण हो गए? तीन चरण है, ठीक है। G1 आपका S फेज और G2 फेज, ठीक है, जिसे हम गैप 1 सिंथेसिस फेज और गैप 2 फेज कहते हैं। गैप 2 फेज कहते हैं। तो गैप 1 फेज में क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स दैट ग्रो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम्स। अब गैप 2 फेज में क्या होता है? गैप 1 फेज और गैप सिंथेसिस फेज आपने देखा। गैप 2 फेज में क्या होता है कि यहाँ पे सेल ग्रोथ के साथ माइटोसिस के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैप 2 फेज में प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो सभी बच्चे नोट करेंगे, तीनों अलग अलग फेजेस में क्या होता है वो मैंने आपको क्लियर किया। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एडल्ट एनिमल्स में कुछ सेल्स जो है वो बच्चों डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे आपका हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं, है ना। बहुत कम इंजर्ड या डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए कुछ सेल्स कभी कभी ओकेजनली डिवाइड होती है। अदरवाइज देखो, हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं होती है, हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो भी डिवाइड नहीं होती हैं। आप अगर हम मनुष्यों की बात करें, आपने बहुत बार सुना होगा कभी भी सर में चोट, अगर बहुत तेज सर में चोट लग जाए तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिकाएं हमारी जो है उनके अंदर रेप्लिकेट करने की पावर नहीं होती है। वो एक बार क्षय हो गई तो दोबारा से रिपेयरिंग मोड में भी आना उनका मुश्किल होता है। तो जो डिवाइड ना होने वाली सेल्स हैं वो G1 फेज से क्या हो जाती है? एग्जिट हो जाती हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है। जिसको हम क्या कहते हैं? क्वोशेंट स्टेज या G0 फेज कहते हैं। तो G0 फेज की जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं लेकिन डिवाइड नहीं होती हैं, और इनका डिविजन ऑर्गेनिज्म के आवश्यकता अनुसार होता है। तो अब एनिमल्स में माइटोसिस जो है वो में समसूत्री विभाजन जिसे हम माइटोसिस कहते हैं, केवल सोमैटिक सेल्स या कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक
कोशिकाओं में होता है और कैसी होती है, 2N, दे विल रिमेन 2N, ये डिप्लॉयड ही होती हैं और डिप्लॉयड ही रह जाती हैं, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी, ये क्या है, जीवों में समसूत्री विभाजन जो होता है, इसमें डॉटर सेल जो है वो मेन सेल, जनक कोशिका भी टू एन होती है और संतति भी 2N होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे क्लियर, और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन ये जंतुओं की बात हो रही है ना, जीवों में ये किसकी बात हो रही है, जंतुओं की बात हो रही है, हम माइटोसिस डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो पहले हम जंतुओं की बात करेंगे। जंतुओं में जो समसूत्री विभाजन है, माइटोसिस है, वो केवल सोमैटिक सेल्स में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में माइटोसिस जो है वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों प्रकार की सेल्स में हो सकता है। ना यहाँ पे आप लिखेंगे, प्लांट्स में माइटोसिस दोनों प्रकार की एप्लॉयड व डिप्लॉयड कोशिकाओं में हो सकता है, ठीक है। प्लांट्स में माइटोसिस दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है, हैप्लॉयड में भी और डिप्लॉयड में भी। आपने किसकी बात, आपने पहले भी अनियन रूट टिप में देखा है ना, यहाँ पे कितने होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं और डिवीजन के बाद भी कितने रहते हैं, आफ्टर डिवीजन भी 16, है ना। तो सभी बच्चों ने ये वाला नोट कर लिया, सभी बच्चों ने, ठीक है। अगर वो इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों की क्लियर हो गई तो आपकी यहां से लेकर के और यहां तक की इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंटरफेज के बारे में जो प्रोसेसेस होती हैं, वो आपकी क्लियर हो गई हैं। अगले सेशन में हम ये जो एम फेज है या माइटोटिक डिवीजन है उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अब अगर मनुष्य के शरीर में कोशिका की बात की जाए तो इस इंटरफेज में लगते हैं लगभग 95% टाइम, यानी कि 95% ऑफ टाइम इसमें लग जाता है और केवल लगभग 23 घंटे के करीब विभाजन की तैयारी में और 1 घंटा विभाजन में, ठीक है। और जो कोशिकाओं में विभाजन नहीं होना होता है, जिन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होना होता है आगे चल करके फर्दर, वो G0 फेज या क्वोशेंट स्टेज में चली जाती हैं और यहाँ पे सेल साइकिल रुक जाती है। ऐसी कोशिकाएं रेप्लिकेट नहीं करती हैं, ऐसी कोशिकाएं बार बार डिवाइड
नहीं करती है ना। आप सभी को पता है हमारी जैसे हार्ट सेल्स हैं, ओकेजनली डिवाइड करती हैं, हमारी न्यूरॉन्स हैं, उनमें भी जो है ना। तो सभी बच्चों ने यहाँ तक का नोट कर लिया है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। इंटरफेस के बारे में आप सभी का आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी इश्यू होने पर, डाउट होने पर, समझ में ना आने पर चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से आप क्वेश्चन अपना पुट ऑन कर सकते हैं। आज क्लास में इतना ही बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।